एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली भारतीय बाजारों में। बैंक्स में सबसे बड़ी गिरावट थी। प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो येस बैंक में 10% की गिरावट देखने को मिली, वहीं आरबीएल, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी गिरावट दिखी। पीएसयू बैंक्स में भी काफ़ी सारे बैंक्स में गिरावट दिखी। एसबीआई सबसे आगे था उसमें। इसके अलावा यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में भी वीकनेस थी। ऑटोपैक, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ गिरावट दिखी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, निफ्टी यूनिवर्सल, टाटा मोटर्स जो कि वारंट इशू कर रहा है 10% के डिस्काउंट पर। इसके अलावा आइशर और एक बार फिर से एस्कॉर्ट्स में भी मुनाफा वसूली दिखी। पर कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने न्यू हाई बनाया। गुजरात गैस ने एक बार फिर से न्यू हाई बनाया। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ ने 3% की तेज़ी के साथ नया हाई बनाया और नारायण हृदयालय जो काफ़ी दिनों से अच्छे फॉर्म में है, एक बार फिर से इसने भी नया हाई बनाया। एरिस लाइफ साइंसेज मिड कैप स्पेस पे तकरीबन 6% की बढ़त इस स्टॉक में हमें देखने को मिली। बीएफ यूटिलिटीज़ 10% के अपर सर्किट में था। शॉपर स्टॉप जिसके लिए ये काफ़ी अच्छा हफ्ता रहा है, वहाँ पर भी तेज़ी दिखी। और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स जो गति में 20% हिस्सेदारी खरीदने वाला है, वहाँ पर भी तकरीबन 3% की आज तेज़ी देखने को मिली। जी तो खास तौर पर स्टॉक्स में कहाँ एक्शन देखा गया ये हमने देखा, लेकिन आशीष जी हमने ये भी देखा है कि क्रेडिट पॉलिसी के बाद बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही है, जिसमें एसबीआई की बात कर लें, बैंक ऑफ बड़ौदा देख ले, यूनियन बैंक देख ले, 6% तक टूटे हैं। क्या लगता है आपको, सरकारी बैंकों में खरीदारी के मौके बन रहे हैं अभी? जी, मेरा मानना है अभी भी थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी इन बैंक्स को बाय करने के लिए, क्योंकि एक जो रेट कट का एक साइकिल में जो थोड़ा पॉज आया है, मेरा मानना है कि ये शायद जनवरी में भी जारी रहेगा। और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इन्फ्लेशन जो अभी भी इतना हाई बना हुआ है वो अगले एक दो महीने में भी कोई ड्रास्टिकली कम हो जाएगा ऐसा होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, बैंक्स को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि पिछले जो रेट कट्स हैं उन्होंने उसका बेनिफिट का अल्टीमेट कंज्यूमर को दिया है। तो इस बात को लेकर अब बाजार में थोड़ी सी चिंता है कि जो रेट कट का एक माहौल बना हुआ था शायद वो अब थम रहा है। तो मेरा मानना है इस फैक्टर के चलते हुए काफ़ी सारी अनबाइंडिंग हुई है आज बैंकिंग स्टॉक्स में, और इसका इफेक्ट अभी शायद अगले 2 से 3 सेशन और जारी रहेगा। आशीष जी, किसी को अगर खरीदारी करनी हो सोमवार को तो उसके लिए इंट्राडे पिक आपकी जाननी है। देखिए, जैसे एक स्टॉक है जो मैं बताना चाहूंगा, वो है एरिस लाइफ साइंसेज, जो हम बात कर अभी आपके एनालिस्ट भी बात कर रहे थे, मुझे भी वो स्टॉक पसंद है। इनफैक्ट पिछले एक सप्ताह में करीब 7% का रिटर्न दिया एरिस लाइफ साइंसेज ने, और यहाँ से भी मेरा मानना है करीब 21 रुपए की उसमें और अपसाइड बाकी है। फंडामेंटली मैं बात करना चाहूंगा कि कंपनी को अभी उन्होंने नोवार्टिस के थ्रू अपना एक एंटी डायबिटीज का एक ब्रांड परचेज किया है $13 मिलियन में, और उसका काफी अच्छा मार्केट है भारतीय बाजारों में। इसके अलावा जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे वो भी उनके ऑल टाइम हाई नंबर्स थे, तो इस स्टॉक में हमने देखा दोबारा से इन्वेस्टर्स का रुझान दोबारा बन रहा है। और मिड कैप फार्मा एज अ सेक्टर में अभी आपको काफी मौके आने वाले समय में मिलने वाले हैं, तो इस स्टॉक पे बिल्कुल बैट किया जा सकता है। तो एरिस लाइफ में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट आशीष महेश्वरी, और इनकी ये फेवरेट इंट्राडे पिक है। इनफैक्ट हमने इस पर एक रिसर्च भी निकाली है आशीष जी, और दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं कि आज खासतौर पर एरिस लाइफ में शानदार तेजी दिखी है, तो किस खबर ने एरिस लाइफ में जान भरी है, मानसी हमें बताने जा रही है। मानसी, बताइए इस तेजी की वजह क्या रही है, क्या खबर रही जिसने इस स्टॉक में आगे उड़ान भरी है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले एक महीने में एरिस लाइफ साइंसेज में करीब 23% तक की बढ़त देखी गई है, और एक अधिग्रहण की खबर आई है जिसके बाद एक इवेंचुअल इम्पैक्ट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। कंपनी ने एंटी डायबिटीज दवा जोमेलिस का अधिग्रहण किया है। नोवार्टिस से 91 करोड़ में ये ड्रग का जो ट्रेडमार्क है ये कंपनी ने खरीदा है, और 10 दिसंबर से भारत में इसकी बिक्री भी शुरू कर देगी। आपको बता दें इस अधिग्रहण के फायदे किस तरह से कंपनी को होने वाले हैं। भारत में डायबिटीज दवा सेगमेंट में कंपनी एरिस लाइफ साइंसेज जो है 10 बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। इस अधिग्रहण से डायबिटीज सेगमेंट में कंपनी की पकड़ काफी मजबूत होती हुई दिखेगी। डायबिटीज के इलाज के लिए जोमेलिस जो है वो एक मजबूत ब्रांड भी मानी जाती है, तो एक विन विन सिचुएशन होगा दोनों ही के लिए। FY21 में ये की ग्रोथ ड्राइवर भी साबित हो सकता है पूरी कंपनी के लिए, उनके कारोबार के लिए।
साथ ही जोमेलिस के लिए 3600 करोड़ का मार्केट एक खुलता हुआ दिखेगा। तो आगे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि कंपनी के लिए खुलती हुई दिखेगी। जेनरिक की एंट्री से वॉल्यूम पर कॉम्पिटिशन दोनों ही जगह से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन भी बढ़ती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज हाउसेस के भी पॉजिटिव रडार पर ही है स्टॉक। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 595 के दिए हैं। साथ ही सिटी ने खरीदारी की रेटिंग दी है, लक्ष्य जो है उन्होंने बढ़ाए हैं, लक्ष्य 730 से बढ़ाकर 750 कर दिए हैं। जी चलिए, और दो जो स्टॉक्स रहे हैं जिनमें एक एक्शन देखने को मिला है हमें आज, वो रही है ऑटो कंपनियां, जो कि फोकस में रही और उसमें भी खबरों के दम पर गिरावट आज देखने को मिली, वो भी भारी गिरावट। हम बात करें यहां पर टाटा मोटर्स की और साथ ही मारुति सुजुकी, जिसमें 2-4% तक की कमजोरी देखने को मिली है। तो क्या है दोनों में नेगेटिव खबरें, जानते हैं सीधे हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं, टाटा मोटर्स में आज गिरावट क्यों देखने को मिली है? जी, तो टाटा मोटर्स में गिरावट की आज दो बड़ी वजह रही। पहली तो यही कि शेयर्स और वारंट्स इशू जो अलॉटमेंट कमेटी ने मंजूरी दी है, उसका प्राइस तो उस 150 रुपए के प्राइस पर तय किया गया है, जो मौजूदा भाव से करीब करीब 10% के डिस्काउंट पर है। इनफैक्ट अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो टाटा मोटर्स अपने उच्चतम स्तर से ऑलरेडी जो मौजूदा भाव है 73% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो अपने आप में ये जो इशू की मंजूरी दी गई है टाटा सन्स को इशू करने के लिए, वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर है, जिस वजह से टाटा मोटर्स आज प्रेशर में दिख रहा है। इसके अलावा नवंबर की जो बिक्री आंकड़े हैं यूके में JLR की, उसके आंकड़े भी खराब आए हैं। 9.5% की गिरावट उनकी बिक्री में आती हुई दिखी है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 4 महीने का ट्रेंड भी देखेंगे तो उन चारों महीनों में सालाना आधार पर गिरावट ही देखने को मिली है। तो ये दो बड़ी वजहें हैं जिस वजह से टाटा मोटर्स आज गिरावट का रुझान देखने को मिला। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि मारुति सुजुकी में भी कमजोरी आज रही है, क्या ऐसी नेगेटिव खबरें रही इस गिरावट के पीछे? तो मारुति में आज गिरावट की वजह बनी इनके स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ियों की रिकॉल की खबर। मैनेजमेंट ने यह कहा है कि करीब 63,500 स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल वो रिकॉल करेगी, जिसमें 3 मॉडल शामिल है, शियाज, अर्टिगा और साथ साथ XL6। ये 3 गाड़ियों के जो मॉडल्स हैं उनको रिकॉल किया जाएगा और 1 जनवरी से 21 नवंबर के बीच ये जितने भी मॉडल्स की प्रोडक्शन हुई है उनको रिकॉल किया जाएगा। माना यह जा रहा है, मैनेजमेंट ये बता रही है कि मोटर जनरेटर यूनिट में गड़बड़ियाँ होने की संभावना है और इसीलिए उन्होंने वॉलंटरीली इन सारे व्हीकल्स को रिकॉल किया है। तो ये अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है जो नंबर्स इन्होंने रिकॉल किया है। इनफैक्ट सूत्रों के हवाले से हमें ये भी पता चला है कि जो भी डीलर्स है उनको जो भी एग्जिस्टिंग इन मॉडल्स की स्टॉक्स उनके पास है उस पर होल्ड रखने को कहा है और साथ साथ जो भी फैक्ट्री डिस्पैचेस होनी है, जो प्रोडक्शन होती है वहां पर भी उन प्रोडक्शन उन फैक्ट्री डिस्पैचेस पर रोक लगाई गई है। तो ओवरऑल मारुति के लिए एक बड़ी नेगेटिव खबर बन रही है। इनफैक्ट अगर आप औसत बिक्री देखें इन मॉडल्स की तो वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जिसमें XL6 करीब 4200 यूनिट्स मासिक आधार पर बेचता है, वहीं अर्टिगा की तो करीब 7000 यूनिट्स बेची जाती है। तो अपने आप में मारुति सुजुकी के लिए ये आज बड़ा नेगेटिव फैक्टर बनता हुआ नजर आया। तो नेगेटिव खबरों ने टाटा मोटर्स और मारुति पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि नवंबर बिक्री के आंकड़ों के बाद ऑटो सेक्टर में मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रही है। आशीष जी, आप ही के पास आएंगे अब, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स क्या करना चाहिए दोनों में ही जिनके पास हैं, और क्या खरीदारी की जा सकती है? देखिए, दोनों ही स्टॉक में बड़ा एक मिक्स ट्रेंड बन रहा है। जैसे टाटा मोटर में अभी 2 दिन पहले जब US के नंबर आए थे JLR के, तब एक उत्साह का माहौल था कि वहाँ पे सेल रिवाइव हो रही है, पर आज जो थोड़ा सा वारंट का डिस्काउंट पे आया और UK का सेल्स का आंकड़े खराब आए तो उसका इफेक्ट बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है टाटा मोटर तो थोड़ा सा हमें और प्रेशर में रहने वाला है स्टॉक, और मेरा एडवाइस स्टॉक को सेल करने का रहेगा और 150 के नीचे भी ये जा सकता है। दूसरा, जहाँ तक मारुति की बात है तो यहाँ पे जरूर एक टेम्प्रेरी एक निगेटिव फैक्टर है जो 63,000 कार्स को रिकॉल किया है,
बट दूसरी पॉजिटिव बात साथ में ये भी है कि जनवरी से वो अपने दाम बढ़ाने जा रहे हैं गाड़ियों के, तो मेरा मानना है जो रिकॉल का इश्यू है शायद एक या दो दिन का तक इसका ओवरहैंग रहेगा, बट उसके बाद में जो दाम बढ़ाने वाले हैं मार्केट उसको फैक्टर इन करेगा। तो मारुति का स्टॉक यदि यहाँ से 100-150 रुपए और किसी गिरावट में मिलता है तो मेरा मानना है इसको बिल्कुल लेना चाहिए और एक महीने में ही ये अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ओके, तो मारुति पर आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं और टाटा मोटर जिनके पास है उन्हें बेचने की राय दे रहे हैं आशीष जी। आशीष जी, पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर किसी को खरीदारी करनी हो तो आप कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे? जी, यहां पर मैं स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा कोटक महिंद्रा बैंक। पिछले पूरे सप्ताह में इस बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और आगे आने वाला वीक में भी ये बिल्कुल स्टार परफॉर्मर रहेगा। और सबसे बड़ा रीजन ये है इस बैंक के अब रैली होने का कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रुझान कोटक महिंद्रा बैंक में शिफ्ट हो रहा है क्योंकि वो दूसरे बैंक के स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं और दूसरा उसके बाइंग